तो दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। यहाँ टाटा के आउटलेट पर नोएडा ऑटो एक्सपो के अंदर हम देख सकते हैं नई हेक्सा सफारी एडिशन का ये रिव्यू है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। इसके आगे की साइड में आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपको काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, फोग लैम्प वगैरह हैं। यहाँ पे खासतौर से इसके जो अलॉय व्हील्स हैं इनको थोड़ा सा चेंज किया गया है और 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं इसके अंदर। और ये मेरे ख्याल से साइड क्लैडिंग जो ब्लैक कलर की दी गई है ये भी थोड़ा सा चेंज करके दी गई है। साथ ही आपको इसके ऊपर की साइड में दिखा देता हूँ, रूफ रेल्स वगैरह है वो थोड़ी सी चेंज की गई हैं यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस के अंदर अगर हम अंदर की बात करें तो गाड़ी तो लॉक है लेकिन डुअल टोल कलर्स के अंदर को निकाला गया है, यानी कि आपकी जो सीट है काफ़ी अच्छी है। ब्लैक कलर का आपको इसका फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है, डैशबोर्ड और काफ़ी बेहतरीन है। 4x4 ऑप्शन है ये वाला, 4x4 व्हील ड्राइव के साथ में आएगा। और इसका जो ये ORBM है ये भी काफ़ी अच्छे हैं, पियानो फिनिश के साथ में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हो गया इसका साइड व्यू। अगर फ्रंट की बात करें तो हमें यहाँ पे जो है वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी साइड की अगर बात करें हम इस साइड से तो यहाँ पे भी आपको ORBMs मिलते हैं, ऑटो फोल्डेड ORBMs रहते हैं, इलेक्ट्रिकली आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आप जो है 2 और 2 4 और 2 यानी कि 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। 6 सीटर ये गाड़ी है। आपको बता दें सफारी एडिशन की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है देखने के लिए, सफारी एडिशन इसको निकाला है। यहाँ पे हेक्सा की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। पीछे की साइड में आपको इसकी ये क्रोम के साथ में एक डिज़ाइन मिल जाती है। पीछे की अगर बात करें हम यहाँ पर तो आपको पीछे काफ़ी बेहतरीन इसका वही चिरपरिचित जो है अंदाज वो देखने के लिए मिल जाता है। डिफॉगर्स मिल जाते हैं रियर विंडशील्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको इसके एक लाइट और मिल जाती है, ब्रेक लाइट। यहाँ पे आपको इसका एंटीना मिल जाता है और पीछे की जो लाइट है काफ़ी अच्छी है, स्टाइलिश है, काफ़ी बड़ी लाइट दी गई है पीछे की साइड में। सफारी एडिशन की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है और पीछे आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह सेंसर वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। पीछे आपको इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल इनका लुक दिया गया है और काफ़ी मजबूत बॉडी के साथ में है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग 14 से लेकर के 20 लाख रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग होने वाली है, जैसा कि मुझे अंदाज़ा यहाँ पे दिया गया है। फिलहाल प्राइसिंग के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते लेकिन इतना मान के चलते हैं कि 14 से 20 लाख रुपए की रेंज में ये गाड़ी आपको अवेलेबल होगी। और इसके अंदर आपको सस्पेंशन दिखा देता हूँ मैं अंदर की साइड से। यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलते हैं इसके अंदर काफ़ी मजबूत और जो इस गाड़ी के सस्पेंशन को काफ़ी अच्छा बनाए रखते हैं। और बाकी डिटेलिंग्स तो दोस्तों आने वाले समय में जब ये गाड़ी लॉन्च होगी मार्केट के अंदर, जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले पाएंगे तब पता कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल एक यही छोटा सा रिव्यू है जो कि टाटा मोटर्स के आउटलेट पे लगा हुआ है, ऑटो एक्सपो 2020 ग्रेटर नोएडा के, यहाँ पे मैं ये रिव्यू बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना, फिर अगले रिव्यू में मिलता हूँ किसी नए जानकारी और नई गाड़ी के साथ में। तो इसको अभी यहीं कर देते हैं स्टॉप। तो जय हिंद जय भारत, फिलहाल के लिए स्टे हेल्दी, कनेक्टेड विद उषा की किरण।